ਪਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੇਜਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਿਹਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਫਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਫਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ। ਕਰੀਬ 1000 ਵਲੰਟੀਅਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ। ਕੰਮ ਕਈ ਰੁਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਮ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰੁਕੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਿਨਾਰੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਬਣ ਗਏ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2-4-5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ। और आज जो है मैं सबसे पहले जो है हाईकमान और जो है अपने चीफ मिनिस्टर भगवंत मान का मैं जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारी गुरु की नगरी के लिए एक हीरा को चुना। जो है कि डॉक्टर निज्जर साहब एक बहुत ही जो है बहुत बेहतरीन शख्सियत है, जिसका परिचय की मुझे ज़रूरत नहीं है। हर बच्चा जो है डॉक्टर निज्जर की जो है शख्सियत को जानता है। आपने जो है सारी लाइफ में जो है लोगों की सेवा की है, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला जो है जो आज उनके लिए एक जिम्मेदारी जो है सीएम साहब की तरफ से जो दी गई है उसको बखूबी निभाएंगे। और अमृतसर के अंदर जो समस्या है, पानी की समस्या है, गंदगी की समस्या है, वो सारी की सारी समस्याएं हल होंगी और पहल के आधार पे लोगों के काम होंगे। और जो मान सरकार ने लोगों से वादे किए हैं, वो चाहे किसी भी किस्म के वादे हों, वो हर वादा पूरा किया जाएगा। जो कि पहले जो है बिजली सस्ती का वादा जो है वो पंजाब सरकार कर चुकी है, और आइंदा भी जो है जो बाकी वादे हैं, या औरतों को 1000 रुपये देने की बात हो, और ये तमाम के तमाम जो वादे हैं वो पूरे किए जाएंगे। और मान सरकार इंशाल्लाह ताला पंजाब के अंदर इतना बेहतर काम करेगी, आने वाला वक्त होगा वो सिर्फ आम पार्टी का ही जो है वक्त होगा पंजाब के अंदर। क्या लगता है कि डम का मुद्दा इस बार हल हो जाएगा जो दक्षिणी हल्के में? अमृतसर के अंदर डम का जो मुद्दा है वो बिल्कुल जो है मुझे यकीन है, क्योंकि डॉक्टर चीजर साहब जो है उसी जो है हल्के से आते हैं जिस हल्के में जो है डंप का मुद्दा है, और वो इंशाल्लाह ताला वो जो है डंप का जो मुद्दा है वो बिल्कुल जो है ज़्यादा होगा, जिसके लिए लोगों ने बड़ी परेशानियां, बाकी जो है सरकारें आई चाहे अकाली दल हो चाहे कांग्रेस सरकार हो या दूसरी सरकारें हो, उन्होंने जो है बड़े बड़े वादे किए लेकिन लोगों के वादे पर खरा नहीं उतरा। लेकिन इस सरकार से उम्मीद है, और ख़ासतौर से डॉक्टर निज्जर साहब जो है इस हल्के से बनाए गए हैं, इंशाल्लाह ताला जो है डंप का मसला भी हल होगा, और बाकी जो दूसरे मसले हैं लोगों के, बड़ी समस्या है पानी की, जो कि जो है हमारे जो है पूर्व आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह उस शख्सियत ने जो है विधानसभा के अंदर जो है मुद्दे को उठाया है, और आपने हर हल्के का नाम ले लेकर उस मुद्दे को उठाया है। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला वो मुद्दे हल होंगे। पहले कभी भी हमने ये नहीं देखा कि विधानसभा के अंदर ये मुद्दे उठाए गए हों, जो कि जो है पूर्व विजय प्रताप सिंह ने उठाए, और आज जो है निज्जर साहब जो है यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। आपने देखा होगा लोगों का जो हुजूम, जो इतनी मोहब्बत डॉक्टर निज्जर से जो लोग करने वाले हैं, कई घंटों से लोग जो है आपका इंतजार कर रहे हैं, इतनी गर्मी के बावजूद भी लोग डटकर खड़े हुए हैं, और जो है निज्जर साहब का इस तरीके से जो है लोग स्वागत करने और इंतजार कर रहे हैं, जैसा कि एक जो है मुस्लिम समाज के लोग जब ईद आती है तो इंतजार होता है कि चांद का नजर आएगा और हम दूसरे दिन ईद मनाएंगे, इसी इंतजार में लोग बहुत देर से यहाँ पर खड़े हैं। क्या लगता है कि कुंवर विजय प्रताप सिंह को भी कैबिनेट का ओहदा मिलना चाहिए था, उनको भी मंत्रालय मिलना चाहिए? देखो कुंवर विजय प्रताप सिंह की जो शख्सियत है वो जो है इस चीज की जो है पंजाब की मांग है, मेरी अकेले की मांग नहीं है, क्योंकि वो बाखूबी जो है इस चीज के काबिल है। पंजाब के अंदर देखो ये सरकारों के फैसले होते हैं, सरकारों ने जो है अपने हिसाब से जो है बनाना है, और पंजाब के लोगों की ये मांग भी है मान सरकार से, और मैं भी एक मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी जो है कुंवर विजय प्रताप सिंह जैसी शख्सियत को पंजाब का जो है होम मिनिस्टर बनाया जाए,
जिसके लिए हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने पहले वादे किए थे। मान साहब ने भी जो है इस बात के लिए जो है आपकी तारीफ की कि कुंवर विजय प्रताप सिंह जो ऐसी शख्सियत है जो हमने अगर पंजाब के अंदर नशा और गुंडागर्दी को ख़त्म करना है या गुरु की ग्रंथ साहब की बेद भी होती है बाखूबी जो है कुंवर विजय प्रताप सिंह उस जो चीज़ को जानते हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये तमाम मुद्दों पे इंसाफ भी मिलेगा और पंजाब के अंदर से नशा और गुंडागर्दी भी ख़त्म होगी जब जो है ये सरकार जिस तरीके से काम कर रही है। धंधे रहा करांगे तुसी भी सवाल सानू पूछी जायो असी भी तुहानू आपे ही दसी जावांगे की काम करांगे। सो विदन 6 मंथ 6 महीने तक तुसी जरूरी जिहड़ा शहर है इहदी नुहार बदली वेखो। सर बड़े महकमे जिहड़े बड़े तुहानू कंट्रोवर्शियल भी दित्ते गए इंपोर्टेंट दित्ते गए ने अपना कारपोरेशन है इंप्रूवमेंट ट्रस्ट है किस तरह देख दो जी कपले कल इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के सबका चेयरमैन गिरफ्तार किया गया कपलिया के किदा देख दो सर कोप आप किदा करोगे। नहीं कर लांगे असी कानून जिहड़े सीधे कर देने आ सौखा कर देना डूइंग ऑफ वर्क सौखा कर देना लोगों का कंप्यूटराइज काम कर देंगे लोगों के कनैक्शन टुट जाएगा मुलाजमान नाल ऑनलाइन जो काम होएगा तो कपले आपे बंद हो जाएंगे। सर एक सीकेडी की बड़ी वड्डी जिम्मेवारी है नाल चीफ खालसा दीवान की टीम साड़ी बहुत वड्डी है बहुत ईमानदार बहुत नेक है और सारे काम आप वंडते हैं जो रह गए भी वंड देने हैं। सो प्रधान का काम रेगुलर काम करना नहीं प्रधान का काम सिर्फ सुपरवाइज करना होंगे इसलिए टीम जी है मैंबर ता ही लेते हैं मैंबर ने काम करना होंगे पिछले दिन साढ़े प्रधान सारा काम सेंट्रलाइज कर लें ताकत अपने हाथ लेंगे सके मैं ताकत जी सारी डिवॉल्व कर देनी है मतलब अंदर तक दे देनी है दूर तक ताकि मैंबर इंचार्ज मैंबर जड़े ने वो सारा काम कर ते मेरा सिर्फ सुपरवाइजरी रोल रहे। सर हलका विधायक वालों की किस तरह देखो क्योंकि लोग थोड़े तो हाथ रखते हैं कि डॉक्टर साहब सानू मिलन या थानू मिलन आते हैं एक डंप का मुद्दा बहुत बड़ा है जी थोड़े इलाके डंप ते मैं वैसे ही काम कर रहा सीगा हुण ते खैर गवर्नमेंट मेरी अपनी मेरे को बहाना कोई नहीं हैगा। सो तुसीं वेखोगे अगले साल च इन्हों मैं सॉल्व करके सारा डंप बिल्कुल सफाई होएगी उसे नहीं शिफ्ट नहीं डंप कर रहे शिफ्ट वाले किसी ने गल की भी नहीं है तो पिछले विधायक इंद्रबीर सिंह बलारिया साहब की गल सुनी थी कि NGT ने इतों शिफ्ट करने की इजाजत नहीं दी वो फैक्ट है लेकिन इन्ना साफ हो जाएगा कि लागे किसी को महसूस नहीं होएगा कि डंप है हालांकि सरकार वालों कदम चुके जा रहे हैं लेकिन फिर भी महकमा होंगे नाते वाले की उपराले क्योंकि यह भी महकमा जरा लोकल बॉडी नाल भी जुड़ता है कितना कितने ये महकमा मेरे बड़े दिल के करीब आ मेरे बहुत करीब आ जी जी। सो ये असं काम करना मेरी सैकटरी साहब न दोबारी मीटिंग हो चुकी है वह मेरा मतलब समझ गए ने उन्हें अपने स्टाफ ने भी कहता है कि डॉक्टर साहब जो जो मंग रहे इन्हों का आप काम सारे उस तरीके करिए मैं उन्होंने जो जो मेरा नजरिया है मैं दसता और मेन यही है कि मैं प्लैन दसो साल का की प्लैन है 5 साल का की प्लैन है और तुम अगले दिन ही देखो कि मैं विजिट करांगा साइट जितने निके निके डैम बनाने ना वो विजिट करा मैं हरेक विजिट करनी मैं घर बैठे नहीं काम करना तो उत्थे जाके दसूंगा भी इन्हें किस तरह जो मैं अपने नजरिए ने कहना किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं की डिफेक्ट है। सो असं कर जा रहे हैं दूजी जी पाइपा पाई दी ने पानी पैलियों का खड़न ये नहरी विभाग के जुड़ के असं वह भी काम करना है जोड़ा ड्रिप सिस्टम है वह भी करना है जोड़ा स्प्रिंकलर सिस्टम है वह भी करना सो बड़े काम करने वाले ने ट्रस्ट भी असं कर रहे मैं इजराइल का मॉडल भी पढ़ रहे हैं जोड़ा इजराइल का मॉडल है ना इजराइल पूरा रेगिस्तान है लेकिन एडे सोने फल उगा एडे सोने फुल उगा एडी सोनी सब्जी उगा तो साढ़े को पानी होंगे अस क्यों नहीं उगा सकते सारे काम करने वाले देखोगे हौली करके ना टाइम हालत बड़ी खस्ता है सड़क मारिया ने कूड़े के ढेर लगे हुए हैं गंदगी का आलम है बहुत सुधार करने वाले ने ताई तो असं इलेक्शन लड़ी है हूँ कल ही मीटिंग कर ली है अपने कमिश्नर साहब नवे आ गए ने मेयर साहब है पंजो MLA असं इकट्ठे होकर मीटिंग करा और जो जो मुश्किलों ने उन्होंने डिस्कस करा टाइम फ्रेम मंगागे उन्होंने को भी कि काम हफ्ते करना कि काम महीने करना कि काम 6 महीने करना तो मुड़ के फॉलोअप करा उन्होंने ये कह के छड़ता एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स जोड़े ने क्योंकि दफ्तर का बहुत बुरा हाल है लोग परेशान होंगे लाइना चला के कितने पखे नहीं कितने पानी नहीं तो चाहे तहसील है चाहे वह कचहरी है चाहे वह DC ऑफिस है उत्थे काम जोड़े लोगों के बड़े औखे होंगे ने बड़ा औखे मुश्किल का सामना करना पैंता सरकार ने कहा कि घर बैठे जोड़े तो सर्विसिज दी जा एक तो है दूसरा एडमिनिस्ट्रेट जी सर्विसिज ने आएगा गवर्नेंस गवर्नेंस आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नहीं आएगा ते ओ कोई गल नहीं टाइम ना दसी जावांगा तुहानू अज सारा कुछ ते ना पुछो थोड़ा टाइम दे दो ठीक है गर्मी।